सारांश में आपका हार्दिक स्वागत। एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर इजहार करना और घंटों एक दूसरे की ओर देखते रहना, शायद इसे ही प्यार, इश्क या मोहब्बत कहते हैं। भारतीय सभ्यता में प्यार मोहब्बत छुप कर की जाती है। दुनिया की नजरों से बचकर मिलने का अपना ही एक अलग मजा है। छुप कर मिलना परिवार और समाज की इज्जत का सम्मान करना है। अबोध बालों को इन सब बातों का मतलब नहीं पता होता और होना भी नहीं चाहिए। आज के वर्तमान परिदृश्य में प्यार मोहब्बत के मायने बदल गए हैं। शर्म और लिहाज की बातें अब पुरानी हो गई हैं। उसकी जगह ले ली है पश्चिम सभ्यता के खुल्लम खुल्ला प्यार ने। आजकल प्रेमी प्रेमिका सारी शर्म और लिहाज छोड़कर खुल्लम खुल्ला बाहों में बाहें डालकर जहां तहां खड़े हो जाते हैं। दुनिया क्या सोचेगी, क्या कहेगी, इसकी परवाह किए बिना दोनों एक दूसरे में ऐसे खो जाते हैं मानो वे इस दुनिया में है ही नहीं। आइए मिलवाते हैं कुछ ऐसे ही नमूनों से जो सभ्य समाज की सारी मर्यादाओं को ताक पर रख चुके। जी हाँ, पानी के पास रोमांस करने का अपना ही मजा है। अब इन्हें देखिए, झाड़ियों के पीछे ये बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसी कबूतर बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली चली गई, कोई नहीं है यहां पर। यह स्थिति कुछ सभ्य लगती है। बहुत बोर हो गए, चलिए कुछ रोमांस कर लें। यह रोमांस सबसे बढ़िया है, दीन दुनिया से बेखबर शाहरुख और काजोल की तरह। अरे भाई आराम से, पूरा ही दबा दोगी क्या? जी हां, अभी तो बातचीत से मसला हल हो रहा है। अब इन्हें देखिए, ये तरीका फिर भी ठीक है, रोमांस से पहले कुछ साफ सफाई हो जाए। इन्होंने तो हद ही कर दी। इस सीन को देखकर सिलसिला के अमिताभ बच्चन और रेखा की याद आ गई। पेड़ का सहारा लेना भी ठीक है, इन्हें किसी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। आपने देखा इन्हें, क्या लगता है आपको, क्या ये ठीक कर रहे हैं? पश्चिमी सभ्यता के दीवानों को उनकी और हमारी सभ्यता के फर्क को समझना चाहिए, उम्मीद है आप समझेंगे। एक बात और, सोए हुए आदमी को जगाना आसान है लेकिन जागे हुए को।